आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है अपनी हरकतें बंद कर दो। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुत्ते की दुम जो है उसको कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो वह जो है फिर से वैसा ही हो जाता है। तो अब जी लिया जाएगा सीधा लीगल एक्शन। अब जो है आप जो भी है अब आप तैयार रहिए। आपको हमने समझा लिया था, अब साइबर सेल में कंप्लेन जाएगी, परिणाम वो खुद भुगतेंगे अब, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और क्रियांश फिलहाल अभी सोया हुआ है, तो क्रियांश को अभी जगा नहीं रहे। ये सोच रहे हैं कि अपने से अगर उड़ जाए, पंखा सब बंद कर दिया, खिड़की सब खोल दिया, तो अगर अपने से उड़ जाए तो वो अच्छा है कि अपना पूरा नींद पूरा करके ऐसे उठे, और ज़बरदस्ती उठाते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको स्कूल भी जाना है। और फिलहाल रहा जी हमारी तबीयत का, तो कल हमारा तबीयत सही नहीं था और आज जो है थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, तो चलते हैं क्रियांश को अभी चल करके थोड़ा सा दूध पिला देते हैं। सुबह सुबह दूध पी लेता है तो अपना एकदम थोड़ा सा एनर्जी रहता है, फिर उसके बाद भाग दौड़ करता है, फिर भूख लगती है, फिर खाता है। तो जिया जो है क्रियांश का टिफिन बॉक्स अब लेकर के घूम रही है। क्रियांश को स्कूल जाना था लेकिन वहां से जो है उठने का नाम नहीं ले रहे, और मात्र जो है 20 या 30 मिनट बचा हुआ है, तो अब उसको उठाया जाए फिर उसके बाद एक बार लेकर के गए हैं स्कूल। ऐसी स्थिति में नींद पूरा नहीं होता है तो रोने लगता है। तो हमारा खाना पीना सब कुछ बन चुका है और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और अभी नहाना है तो हमने अपनी साड़ी निकाल ली है। कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी साड़ी, एकदम हल्की सी है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो माँ पूजा कर रही है, माँ नहा चुकी है तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। माता पूजा कर रही है, क्रियांश के पापा सो रहे हैं, क्रियांश सो रहा है, क्रियांश के पापा सो रहे हैं, और घड़ी में देख सकते हैं कितने बज रहे हैं। दोनों का तबीयत थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो आराम से सोए हुए हैं, सोने देती हूँ मैं। तो सभी लोग सोए हुए हैं तो मैं जाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और धूप भी तुरंत से निकल आया हुआ है। अभी बारिश, कब बारिश होगी कब धूप निकलता है पता नहीं चलता, तो अभी जल्दी से जाते हैं नहा लेते हैं। और जो भी हमारा अभी आजकल टाइम टेबल मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, क्रियांश जब दिन में सोता था तो हम वीडियो शूट करते थे, और आज जब वो स्कूल जाता है तब हम वीडियो शूट करते हैं। उसके उठने से पहले हम खाना पीना सारा 8 से 9 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो 8:40 में स्कूल जाता है तो फिर उसके बाद आता है 11 बजे के करीब, 2 घंटा हमारे पास रहता है तो उस टाइम हम वीडियो शूट कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो पहले ऐसा होता था ना कि मतलब 10-11 बजे तक खाना बनता था, फिर क्रियांश उठ जाता था, उसको पकड़ते थे ये, फिर उसको खाना पीना नहलाना, और उसके बाद जब वो सोता था दोपहर में तब हम वीडियो शूट करते थे, और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता था। आजकल सही है, दिन मतलब 12 बजे तक में सारा काम खत्म। 12 seconds later क्या बोले माँ? देखिए भगवान के घर में मैं अगर कोई बात कहती हूँ तो इसको ये मत समझ के दिखावा है, क्योंकि हम लोग तो नहीं देखेंगे भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं। तो और शास्त्र के अनुसार या बड़े बुजुर्गों के मुख के अनुसार सुना हुआ या किताब की बात हो या शास्त्र की बात हो, तो हम समझते हैं कि जब कहता है प्रभु आप सर्वव्यापी हो, तो मैं जहाँ खड़ी हूँ जहाँ पूजा करें आप वहीं हो। सही बात है, इसलिए हम समझते हैं कि यह एक पवित्र घर है जहाँ हम लोग ईश्वर का नाम लेके अपना पूजा करते हैं। लगता है कि मैं अगर यहाँ बोलती हूँ तो शायद हम मेरी आवाज वो सुनते हैं। और आप लोग बस इतना ही कहते हैं प्रभु खाने के लिए रोटी, भोगने के लिए बेटा, और सुंदर के लिए सुहाग, और खुशी के लिए भाई भतीजा, और सम्मान के लिए आपने कुर्सी दिया, इसलिए इसको आप अमानत रखिए। पहले सबके लिए मांगते हैं, पीछे हमको भी उसी लाइन में रखिए। अगर कहीं त्रुटि है तो आप लोग क्षमा कीजिए। 20 minutes later और एक ये पार्सल भी आया है मेरा, इसको भी खोलेंगे देखेंगे क्या, पहले नहा लेते हैं फिर इसको खोल के देखेंगे। मुझे मांगते नहीं है, मुझे चाहिए भगवान कृपा से हम सक्षम हैं। हाँ। और मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम लोग को भी अपने बेटा से नहीं मांगना। हाँ, यही चाहिए बस। लेकिन फिर भी बाल बच्चे का कोई सामान आता है माँ बाप को खुशी होती है। हाँ। चादर हमको दे देना, हम आप ही के लिए रखे, आप ही के लिए मंगवाए। तो हम बोले हैं कि माँ इसमें लगता है बेडशीट है, एक लग रहा है पुराना हो गया तो आपके बेडशीट पे दे देंगे, तो माँ कह रही है। One eternity later. तो नहा सुना के आ गए हैं छत पे वीडियो शूट करने के लिए, और ये साड़ी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, और इसका बॉर्डर भी बहुत सुंदर है। सिंपल साड़ी है लेकिन बॉर्डर बहुत खूबसूरत दिया है, उस पर वर्क भी किया हुआ है, मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छा लगा। बाकी आज चूड़ी पहनने में जो है मेरा यहाँ हाथ भी कट गया, तो जल्दी जल्दी पहन रहे थे क्योंकि आज क्रियांश स्कूल गया नहीं, हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से शूट कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो परेशान करने लग जाए फिर हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कल पूरा दिन हम लोग रेस्ट किए हैं। क्रियांश का तबीयत खराब था, क्रियांश के पापा का तबीयत खराब था,
और मेरा भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो हमने सोचा चलो कल रेस्ट कर लेते, कल कोई भी काम नहीं किया था हमने, और आज भी रेस्ट करते तो फिर सही नहीं था। तो हमने जल्दी जल्दी से पहन लिया। बाकी ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। बाकी किसी को लेना होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डाल दिया उनकी आईडी जहाँ से हमने लिया। बाकी अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी थोड़ा ठीक है, मौसम ठीक है, लेकिन बारिश जैसा लग रहा है और धूप भले दिख नहीं रहा है लेकिन धूप है अंदर अंदर। तो चलते हैं नीचे। तो हमारा सारा वीडियो वगैरह शूट हो गया और हमारा बेटा आज सो के उठा है 11 बजे। क्या हेलो करो सबको, हेलो। क्या वो लाइट जलाने कह रहा है? नहीं जलेगा लाइट। और स्कूल भी नहीं गया तुम, और इतना लेट कौन उठता है बताओ? लड्डू भैया, लड्डू भैया बन गए हो तुम इसके। लड्डू भैया है वो भी इतना लेट से सोते हैं, अगर उसको स्कूल ना रहेगा ना तो उसको जब तक उठाएंगे नहीं तब तक उठेगा नहीं। क्या बेटा? क्या बोलो ना, इसको सर्दी हो गया है। बोलिए ना बेटा, कह रहा है कि फैन चलाने के लिए उधर। कौन सा फैन चलाना है? एडजस्ट चलाना है? नहीं चलेगा, पहले पूछ ही दो, मामा को पूछ ही दो। ओह माय गॉड, पूछ ही दो गुच्छा गुच्छा, पूछ ही दो मम्मा को। गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो मम्मा को। आज गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, आज तो हमारा गुड आफ्टरनून हुआ है। तो अभी हमारा पार्सल आया हुआ है तो मैं उसको खोलती हूँ। मुझे तो पता है इसमें क्या, मुझे देख के पता चल रहा है। क्या क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पे हमने दो बेडशीट मंगवाया हुआ है, जो कि एक देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा साइज है जो कि मेरे बेड पे आता है 7x7 का, जो किंग साइज है। बहुत सुंदर बेडशीट है ये, मुझे इनके पेज का ना सारा बेडशीट बहुत अच्छा लगता है। और एक ये भी बेडशीट मैंने मंगवाया हुआ, जो कि दो है, एक हमने नीचे के बेड के लिए मंगाया हुआ, एक हमने अपने बेड के लिए मंगवाया हुआ। तो बहुत सुंदर ये देख सकते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट में। क्योंकि इस पे ना मेरे बेड पे नॉर्मल बेडशीट जो है नॉर्मल साइज वो आता ही नहीं है, तो मैंने इनको बोला था कि अगर आपका बेडशीट हमारे बेड पे नहीं आएगा तो फिर हम नहीं लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो इन्होंने अच्छा बड़ा बेडशीट भी भेजा, और एक नॉर्मल किंग साइज चाहिए था जो मतलब किसी भी बेडशीट पे आ सकता है, तो एवरेज मीडियम का था, तो वो भी आया हुआ है। ये भी बहुत सुंदर है, और कलर भी मैंने कुछ डार्क ही लिया था, कि क्रियान जो है ना हमेशा इधर उधर मचाते रहता है, क्योंकि ये है इस टाइप का है कुछ। तो दोनों सेम ही है, बस ये थोड़ा बड़ा है, और ये कलर लाइट कलर है और ये डार्क कलर है। पता नहीं क्रियान बहुत ज़्यादा बेडशीट गंदा करता है, लेकिन फिर भी मुझे लाइट कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मेरा बेडशीट जो होता है लाइट कलर होता है, और माँ को डार्क कलर पसंद है, तो माँ के लिए हमने डार्क कलर का मंगवा लिया और अपने लिए लाइट कलर। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बहुत समझा लिया आपको, और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप जो है बात को मान जाओ, आप सुधर जाओ, और आपसे कहा था कि आपको चेतावनी दे रहे हैं, कम से कम एक से दो बार चेतावनी भी आपको मिल चुकी है कि आप जो है अपनी हरकतें बंद कर दो। लेकिन कहा जाता है जी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और दूसरा भी कहावत है कि कुत्ते की दुम जो है उसको कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो वह जो है फिर से वैसा ही हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, जो भी पुराना व्लॉग देखा होगा हमने लास्ट वाला, तो बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार किया जा रहा है उनके जरिए। एक फेक आईडी बना लेते हैं, जब वो फिर आईडी खत्म हो जाता है फिर नई आईडी बना लेते हैं, और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनसे जो है बातें करते हैं, और बात में जो है अश्लील अश्लील बातें सब कर रहे हैं। किसी भी लेडीज का पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से उठा करके न्यूड फोटो भेज देना, और उसके बाद जो है सामने वाले जो फीमेल सब्सक्राइबर है उससे भी न्यूड फोटो मांगते हैं रिटर्न में। तो इस तरह की बातें सब हमें मालूम चली है, और उनका जो ये हरकत है जाहिर सी बात है जी हमारी बदनामी। बहुत सारे लोग जो हमको नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह उनकी आईडी नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग तो समझ गए हैं, कई सारे लोगों के कमेंट आए कि जी हम समझ गए कि ये आपकी आईडी नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे लोग हैं यार। तो अब जी लिया जाएगा सीधा लीगल एक्शन। तो अब जो है आप जो भी हैं अब आप तैयार रहिए, आपको हमने समझा लिया था, अब साइबर सेल में कंप्लेन जाएगी, उसके बाद आपकी सब कुछ ट्रेस हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपकी हरकतें शायद यह बंद हो जाएगी। बाकी मैं किस आईडी के बारे में बात कर रहा हूँ जी, उसका फोटो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, साथ में उसका लिंक भी डाल दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जा करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कीजिए,
और यह जो चल रहा है जी इनका हरकत, इस हरकत पर रोक लगाइए आप लोग। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ बोलना है बोलेगी। और मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता कि किसी के ऊपर ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कहना, क्योंकि हम लोगों का ये आदत नहीं। मैंने थोड़ा टाइम वेट भी किया कि चलो ठीक है वो कर लेंगे अपना समझ जाएंगे, लेकिन उस उधरने का नाम नहीं ले रही है। तो कोई भी लड़की अपना नाम बदनाम होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती है। तो जाहिर सी बात है जी, अब तो लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसका जो भी होगा परिणाम वो खुद भुगतेंगे। अब तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, खुद हैं आप। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं, ब्लॉग नहीं डाला। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।